जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इंडियन टीवी न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तारीख 14/8/2023। चर्चा करते हैं हम लोग आज की 12 राशियों का फल। सबसे पहले मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आप कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसे पदोन्नति पद की प्राप्ति होगी। कोई शुभ सूचना, नया संकेत मिलने के योग बन रहे हैं। दूसरी राशि वृक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप कहीं विदेश की यात्रा, विदेश गमन या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, पदोन्नति पद की प्राप्ति होगी, स्थानांतरण की योग भी आपकी बन रही है। चौथी राशि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपको थोड़ी सतर्क रहने की जरूरत है, यात्रा से भय हो सकता है। पांचवी राशि सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपके लिए आज कोई थोड़ा सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है और नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। छठवीं राशि कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप नया काम, नया बिजनेस होगा, नई सूचनाएं मिलेंगी। यदि विद्यार्थी है तो आप परीक्षा में सफल होंगे। सातवीं राशि तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, पदोन्नति पद की प्राप्ति होगी, परिवार सुख प्राप्त होगा, सभी से प्रेम पूर्वक रहने के योग आपकी बन रहे हैं। आठवीं राशि वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप जमीन जायदाद, भूमि भवन आदि काम शुरू कर सकते हैं। एवं नवम राशि धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप कोई व्यापारी हैं या वाहन संबंधित कार्य करते हैं तो आपके लिए शुभ सूचना प्राप्त होगी एवं बिजनेस आपका आज के दिन ठीक रहेगा। दशम राशि मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आपको हल्का सतर्क रहने की आवश्यकता है एवं व्यापारी हैं आप तो बिजनेस आपका मध्यम रहेगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप जमीन जायदाद में वृद्धि होगी, भूमि भवन आदि काम होगा, नई सूचनाएं आपको प्राप्त होगी, जमीन जायदाद में वृद्धि एवं अचानक से कोई नई सूचना प्राप्त होगी। बारहवीं राशि मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप सचेत और सतर्क रहें, किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, पदोन्नति पद की प्राप्ति होगी, स्थानांतरण के योग भी आपके बन रहे हैं और कृषि से संबंधित आप व्यक्ति हैं, आपको आज के दिन आपका व्यापार सम रहेगा, कृषि से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतांबरा, जय माँ विंध्यवासिनी।